फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग मुंबईकर्स फैमिली एंड आई एम बिंदु। एंड आप जैसे देख रहे हो कि एक फ्लिपकार्ट का ये पैकेट है मेरे पास। सो जस्ट मैंने अपने टैब के लिए, जो ये मेरा टैब है सैमसंग टैब ए, इसके लिए मैंने एक कवर मंगाया है जो USB पोर्ट वाला है। सो जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से कंपनी का है और कैसा दिखता है। सो ये फ्लिपकार्ट का कवर है और ये ACM मोबाइल एक्सेसरीज़ का है। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग बहुत ही बेकार, दिस इज़ वेरी पुअर पैकेजिंग। एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये जब ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे MRP भी देख सकते हैं, कुछ 990 की है। और कुछ ये इस तरह की पैकेजिंग थी इनकी। सो जैसे लग रहा है बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। हम बात करते हैं इसके केस कवर की, USB पोर्ट की। सो यहाँ पे एक कैरी बैग है, यहाँ लिखा हुआ है ACM और USB कीबोर्ड जो कि है 8 इंच पिंक, और फॉर रिटर्न दिस स्टिकर इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, ये 990 का अगर सपोज, वैसे भी मैंने इसे रिटर्न का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। सो मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ, जस्ट मैं इसका रिव्यू देना चाहती हूँ आपको। सो ये केस कवर कुछ इस तरह का है, ACM ब्रांड है यहाँ पे लिखा हुआ, और ये इस तरह का कीबोर्ड टाइप यहाँ पे कीबोर्ड है। और इसके साथ में ये है, जब आप ओपन करेंगे तो आप अपना टैब यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो आप देखिए, ये जो आपका टैब है, इसे इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आपका टैब। कुछ ये इस तरह से आपको इसे लॉक करना है, हर एक कॉर्नर्स को आप लॉक करना है आपको यहाँ से। सो ऑल फोर साइड्स जो कॉर्नर्स दिए हुए हैं यहाँ पे लॉक करना है इसे। सो यहाँ पे बैंड है जो इजीली लॉक हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके USB पोर्ट की। सो जो ये USB पोर्ट है, एक्चुअली ये इस तरह का आपको एक पिन मिल जाएगा, बट दिस इज़ नॉट फॉर टैब ए का। सो ये टैब ए के लिए नहीं है प्रॉपर पिन। जो हमारा पिन है वो डबल चार्जर वाला है। सो आपको इसके लिए पोर्ट लेना पड़ेगा, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है उनके स्पेसिफिकेशन में। सो ये कोई काम का नहीं है फ्रेंड्स। और ये केबल जो है, आपको एक पोर्ट लेना पड़ेगा जो कुछ इस तरह का है, मेरे पास अवेलेबल है। सो जस्ट मैं इसे अगर लगा के यहाँ पर, जहाँ हम चार्जिंग करते हैं उसी तरह से इसे फिट करना है। सो मैंने जस्ट यहाँ पे इसे फिट किया। और देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली। अगर ये वर्क करता तो मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर ये वर्क करता तो मेरे स्केप प्रेस करने से ही यहाँ पे मेरा विंडो जो है वो ऑन हो जाता, बट ये विंडो ऑन नहीं हो रहा है। एंड दिस इज़ वेरी यू नो नॉट वर्थफुल दिस प्रोडक्ट। सो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इज़ एंड एक्चुअली ये मैंने जो है डोंगल वो न्यू परचेस किया है इसके लिए, ये पोर्ट USB पोर्ट जो है इसके लिए परचेस किया, बट ये वर्किंग नहीं है एंड दैट्स वाई मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे स्केप प्रेस करते हैं तो भी यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है वो ऑन होना चाहिए, बट ये ऑन नहीं होता। किसी भी आप नंबर को या फिर किसी भी लेटर्स को आप प्रेस करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, सो आई एम गोइंग टू एक्सचेंज दिस एंड रिफंड इट। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ गाइज मुझे बताइए कमेंट करके। मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।